महामारी में सरकार के लिए इस बार का बजट किसी चुनौती से कम नहीं है। महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। वहीं अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। क्या कहा है राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। शुक्रवार से संसद का बजट सत्र शुरू हो रहा है, जो दो चरणों में होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को देश की अर्थव्यवस्था को लेकर घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार से इस बात की सीख मिलती है कि कैसे एक अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया जाए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि श्री मोदी की सरकार इस बात का सबक है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक को बर्बाद किया जाए। बजट सत्र को लेकर कांग्रेस सरकार पर लगातार हमलावर है। पूर्व में कांग्रेस की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके पी चिदम्बरम समेत कई नेता प्रेस वार्ता कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आरएसएस नफरत फैला रहा है और देश की अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने के लिए जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के ताने बाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था जो कभी दुनिया में सबसे अच्छा कर रही थी, वो अब ध्वस्त हो चुकी है। हमारे नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल सकती। ये सब आरएसएस की विचारधारा का नतीजा है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।